हेलो वेलकम वन सेकंड दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ा था, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ब पढ़ने वाले हैं, क्लियर ना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा प्लीज़ कुछ शर्तें हैं जो आप प्लीज़ फॉलो कर लें तो अच्छा रहेगा। कि दोस्तों आपको सब पता ही होगा कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कैमरे के सामने और आप देख रहे हैं एक छोटी सी स्क्रीन में। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब मैं आपको बोलूँ तो वर्ब कोई भी वर्ड बोलूँ तो उसको रिपीट ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, क्लास का माहौल बनेगा और क्लास का माहौल बनेगा तो अच्छे से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हमारा टॉपिक है वर्ब। क्या है वर्ब? जी हाँ बिल्कुल, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक है ना। एनी एक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी कार्य किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा या होता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा, वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों वर्ब को हम तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर ना। आप सुन रहे होंगे, आपको लग रहा होगा तीन बेसिस पे कैसे, अभी तो हमने पांच प्रकार की वर्ब्स देखी थी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं वर्ब को, ठीक है ना। तो वर्ब कैन बी डिवाइडेड इन थ्री बेसिस, ठीक है। पहला बेसिस ऑन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेस पे। बेसिस ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में कि कैसा ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और बेसिस ऑन यूज, यूज के माध्यम पे, यूज के बेस में हम वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन के माध्यम से, हम फॉर्मेशन के माध्यम से हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं वर्ब को, ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, क्लियर। और प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम दो प्रकार से भी कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बेसिस ऑन यूज, यूज के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। ये हम नहीं डिवाइड कर सकते, ये ग्रामर का ही रूल है, ये तीन बेसिस पर ही डिवाइडेड होती है। अब इनके डिटेल्स जान लेते हैं, आखिर ये फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इनको तो सुना होगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये सब अलग से लग रही है कि है कौन सी वर्ब, ठीक है ना। चलिए देखते हैं डिटेल्स इनको। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए, जो वर्ब टेंस के सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, ठीक है ना। कोई भी टेंस है और टेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मुताबिक वो चेंज हो जाती है वर्ब, वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। कैसे, एग्जांपल देखिए, आई टेक ब्रेकफास्ट, क्लियर, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। ही टेक्स ब्रेकफास्ट, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट यहाँ आई था तो आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। और यहाँ ही टेक्स ब्रेकफास्ट, जहाँ ये सब्जेक्ट चेंज हुआ, मैंने बोला टेंस का सब्जेक्ट जो चेंज होगा तो वर्ब भी चेंज हो जाती है, तो यहाँ टेक्स से क्या हो गया, टेक्स। तो ये जो हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब, क्लियर ना। देखिए जैसे नेक्स्ट, अब नॉन फाइनाइट देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है, और सी वॉन्ट्स टू गो विद मी। अब यहाँ देखिए ये जो हुई, ये तो फाइनाइट वर्ब हुई क्योंकि ये चेंज हो गई मुताबिक टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन ये जो वर्ब है टू टॉक टू गो, ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्लियर ना, समझ में आ गया। ये जो होती है अकॉर्डिंग टू टेंस के सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज होती है, नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है, उसमें ऑब्जेक्ट की क्या मात्रा होती है, किसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उस आधार पर डिवाइडेड होती है। दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं, जिन वर्ब में ऑब्जेक्ट कंपलसरी रहता है, कि ऑब्जेक्ट होना ही होना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राहुल इज टॉकिंग टू मी, अब राहुल इज टॉकिंग, राहुल बात तो कर रहा, आगे तो आगे भी तो होना चाहिए ना कि किससे बात कर रहा, तो ये जो वो टॉकिंग टू मी, ये ऑब्जेक्ट इसका कंपलसरी है, तो ये हुई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये राइटिंग लिख तो रहा है लेकिन लेटर लिख रहा, ठीक है ना, तो ये जो हमारा राइटिंग, ये क्या हुआ, ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिन वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना या ना होना कंपलसरी नहीं रहता। एग्जांपल है ही लाफ्स लाउडली, अब यहाँ वह तेज हंसता, अब ये हो चाहे ना हो मैटर नहीं करता, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। ही रैन अवे, वह दौड़ा, वह चला गया, ठीक है ना, ऐसे। तो कहने का मतलब ये है, इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा ट्रांजिटिव में कंपलसरी है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। चलिए देख, अकॉर्डिंग टू यूज़ देख लेते हैं वर्ब कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना।
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यूज़, और मोस्टली आप इसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों, जो वर्ब होती है बेसिस ऑन यूज जो होती है दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेन वर्ब जो होती है मुख्य क्रिया का कार्य करती है। मुख्य क्रिया कैसे देखते हैं, देखिए जैसे सेंटेंस हमारे पास एग्जांपल है, ही इज़ डांसिंग, तो मेन कार्य जो है वह नाच रहा है, तो नाचने का कार्य किया जा रहा है, तो मुख्य क्रिया जो हुई डांसिंग, तो ये डांसिंग जो हो गई मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है राम वेंट टू मार्केट। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो आपने देखा होगा तो यहाँ दो वर्ब थी, एक ये वर्ब हो गई और एक ये वर्ब हो गई, लेकिन इसमें तो एक ही वर्ब है। तो दोस्तों नोट बना के डाल के लिख लीजिए, जिस सेंटेंस में एक वर्ब हो, क्या, हाँ जिस सेंटेंस में एक वर्ब हो केवल, वो मेन वर्ब का काम करती है, ठीक ना, वो हेल्पिंग वर्ब का काम बिल्कुल नहीं करती, चाहे कोई भी वर्ब हो, अगर एक वर्ब है मतलब वह मेन वर्ब का काम करती है, ठीक ना। तो ये भी जो है राम वेंट टू मार्केट, ये मेन वर्ब है, ठीक ना। चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया कहलाती है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की एक सहायक क्रिया कहलाती है, असिस्टेंट कहलाती है। कैसे, देखिए एग्जांपल, ही इज डांसिंग, ये तो हमारी मेन क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो ये जो इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है ना, किसका, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है ना, ये इज जो है। और सी हैड कम बैक, ये हो गई मेन वर्ब, लेकिन ये जो हैड है ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, क्लियर। अब डिटेल से देख लेते हैं, मोस्टली इसे हेल्पिंग वर्ब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मोस्टली अनिवार्य है हेल्पिंग वर्ब को जानना, हालांकि इसकी जो संख्या है मेन वर्ब की कई सारी होती है, मेन वर्ब कई प्रकार की होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो उसकी संख्या होती है उन्हें 24, कितनी, हाँ 24 होती है। देखते हैं कैसे 24 होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है कुछ फोर टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है, हालांकि 24 होती है लेकिन 24 टाइप्स में डिवाइडेड। कैसे, बी टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जिसका सेंस होता है बी मीन्स होना, कुछ चीज़ का होना, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। देखते हैं अब डिटेल से इनका मतलब क्या है। अब आप सोच रहे हो कि ये डू बी हैव मॉडल वर्ब ये कहाँ से आ गए, देखते हैं अच्छे से डिटेल से। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो कुछ है इस प्रकार है, ठीक है ना। फोर टाइप ऑफ वर्ब जो वर्ब थी बी डू हैव मॉडल कुछ इस प्रकार डिवाइडेड है। बी का जब सेंस होता हो ना तो उसके कुछ जो वर्ब्स हैं पांच फॉर्म में डिवाइडेड है, ठीक है ना। वर्ब की तीन फॉर्म नहीं, कितनी फॉर्म होती है, हाँ बिल्कुल पांच फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जैसे बी का हो गया एम आर, ठीक है ना, वर्ड्स वर बीन बींग बी इच। तो देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम आर वर्ड्स वर, ठीक है ना, और यहाँ इज, डू डिड डज हैव हैड और हैज, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, क्या, टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब। और कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है जो एज ए मॉडल वर्ब करती है, वर्क करती है, ठीक है, मॉडल वर्ब में आती हैं, ठीक है ना। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड टू, डेयर नॉट, ठीक है ना। ये जब ये सब की ये क्या कहलाती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इतनी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, इंग्लिश में, और जो कि 24 होती है। और इनके यूज दोस्तों आगे के हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे अच्छे से पूरा डिटेल में। आशा करता हूँ आज का वर्ब का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।